ऑफिशियल। सामने ये जो एंट्री दिख रही है यहाँ से ऑफिशियली लद्दाख लग जाता है। टूर से हम क्या करेंगे, मुझे मार के जाओ। देखते हैं आगे क्या होता है, बट दिक्कत हो रही है। सो फाइनली सब कुछ चेक कर लिया, सामान सारा चेक कर लिया, अब यहाँ से निकल ले ब्यूटीफुल जोजिला पास, शानदार, और घर बैठे एंजॉय करो इस खूबसूरत जर्नी को। चलो अब यहाँ से निकलते हैं, और टाइम हो रहा है 12:39। शूज की कंडीशन देख लो, बहुत ज्यादा पीछे रोड खराब थी। जय गणपति बप्पा। अब क्या, जैसे जैसे बीच में फॉग आता है ना, तो उसकी वजह से आई ग्लास के ऊपर फॉग आने लगता है, वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ये रोड अच्छी है, अभी बहुत दूर जाना है, मंजिल बहुत दूर है, लेकिन सफर इतना खूबसूरत है। प्रोजेक्ट बीकॉन, थैंक्स फॉर योर विजिट, यू आर एट जोजिला, एल्टीट्यूड 11,649 फीट, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, थैंक यू VRO। कारगिल बचा हुआ है, यहाँ से 96 ले है 326, बहुत दूर है, पॉइंट इतने अच्छे आते। चलो चलते हैं, मैं तो फोटो के लिए रुक रहा था, लेकिन हटा, चलो छोड़ो, बहुत लेट हो जाएंगे। बहुत ज्यादा कंटिन्यू पॉइंट्स मिल रहे हैं, हर जगह मन करता फोटो खिंचाने का, लेकिन कहाँ कहाँ रुके। जॉब वालों के साथ एक कंडीशन हो कि टाइम बहुत लिमिटेड होता है। मैंने 7 मंथ से कोई लीव नहीं ली थी, क्योंकि मुझे ड्रीम राइड करनी थी, लद्दाख करना था कंटिन्यू 7 मंथ। सैटरडे संडे मेरा ऑफ होता है, तो इसलिए मैं अपने काम सारे उसी में निपटाता था, कहीं जाना होता था या कहीं पे भी वो उसी में करता था, क्योंकि मुझे पता लद्दाख के टाइम पे मुझे 12 डेज की लीव लेनी थी, और 12 डेज मैं लीव पे था। बट क्या था, 2 दिन वेस्ट हो गए थे, कैब भाई का कुछ काम आ गया था, इसलिए हमारा 2 दिन लद्दाख प्लान थोड़ा शॉर्ट हो गया, वरना प्लान हमारा बना था 12 डेज का। बीच बीच में रोड इस तरह की आ रही है, आपको रोड की कंडीशन, होटल से रिलेटेड मैं कंटिन्यू हर जानकारी दूंगा, इसलिए कहता हूँ पूरा ब्लॉग देखो, हर चीज की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। यहाँ पे हो रहा है जोजिला टनल का कंस्ट्रक्शन का काम, ये देखिए यहाँ पर टनल, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। आज से शायद 1 या 1.5 साल पहले नितिन गडकरी जी ने इसका फाउंडेशन स्टोन लिंक का काम किया था, उसके बाद से इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। बट होता क्या है कि इतना टफ कंडीशंस होती हैं सर्दियों में, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन सारा रुक जाता है, कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड ही मिलता है इनको कंस्ट्रक्शन के लिए। और जब जोजिला टनल बन जाएगी, तब आपको ये जोजिला पास में इतना ज्यादा घूम के नहीं जाना पड़ेगा, जैसे अटल टनल बनने के बाद मनाली से लेह जाना आसान हो गया, रोहतांग पास से आपको नहीं जाना पड़ता है। सो उसी तरह इस टनल के बनने के बाद भी बेनिफिट हो जाएगा, बट फिलहाल बीच बीच में रोड बहुत खराब आ रही है। कंस्ट्रक्शन काफी अच्छे से चल रहा है, क्योंकि इन्हें पता 1.5 महीने बाद बंद हो जाएगा, और ये VRO का सेटअप है यहाँ पे, इस टनल को बनाने के लिए काम चल रहा है यहाँ पे, खेला हो जाएगा। अभी हम लोग रुके हुए हैं सोनमर्ग से आने के बाद मिनीमर्ग में, और मिनीमर्ग में यहाँ पर हम लोगों की एंटीजन चेक हो रहा था, ये लीजिए भैया, अच्छा उसको दिखाएं। और यहाँ पे बहुत खूबसूरत रॉक माउंटेन स्टार्ट हो चुके हैं, व्यू बहुत अच्छे आ रहे हैं, और यहाँ मिनीमर्ग में हमारा कोविड टेस्ट रिपोर्ट देख रहे हैं। हाँ एंटीजन, सिंगल वैक्सीन सर्टिफिकेट भी है, सिंगल वैक्सीन नहीं चल, तो एंटीजन करा के आए, डबल वैक्सीनेटेड होना चाहिए या तो RT-PCR होना चाहिए। 72 आवर का है ये हमारा एंटीजन जो है, 72 आवर का है क्या, रैपिड एंटीजन टेस्ट है। एंटीजन उन्होंने कहा था ये 3 दिन वैलिड है। वापस जाना है, ज्यादा शोर मत करो, वापस जाना, शोर नहीं कर रहे हैं, वापस जाना है, प्रोटोकॉल है यहाँ का, नहीं जाओगे मैं देखूँ कैसे जाओगे आप। यार इस हिसाब से बात करो, हमारे डिप्टी कमिश्नर को बोलो, उनके गेस्ट हैं या फ्रेंड है, फिर आपको छोड़ सकते हैं। हम मोदी सरकार के मुलाजिम हैं, उसने हमें ही रहा रखा है। श्रीनगर में बोला गया 72 आवर्स ले लेगा, श्रीनगर में दिखाओ ना आप, इसमें यहाँ कहाँ है। RT-PCR टेस्ट होनी चाहिए, अगर जिसके पास ये अवेलेबल नहीं है उसको सेकंड डोज वैक्सीन होना चाहिए, और इसमें 15 दिन ऊपर होना चाहिए प्लस, उसके लिए आगे लद्दाख जाने के लिए अलाउ है। जिसके पास ये दोनों नहीं है उसको वापस जाना है मेरे भाई, टूर से हम क्या करेंगे, मुझे मार के जाओ। सो यहाँ पर अभी चीजें चेंज हो गई हैं, एंटीजन जो हमने करा रखा था उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आज रात से ऑर्डर आ गए हैं, देखते हैं आगे क्या होता है, बट दिक्कत हो रही है, सारा मूड खराब हो गया है। चलो देखते हैं, बात करते हैं क्या हो सकता है बेस्ट। हाँ जी, सीन कुछ ऐसा है कि जैसा कि आपने आगे देखा होगा, हमको यहाँ पे रोका गया था, डबल डोज अगर नहीं है और RT-PCR नहीं है तो इन्हें वापस भेजना सही नहीं, तो हमने रिक्वेस्ट करी, रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने क्या किया, हमारे हाथ पे ये मार्क लिख दिया, उसके बाद हमने यहाँ पे एंटीजन कराया यहाँ पर, और ये पीछे चेक पोस्ट है। अब टाइम आ गया यहाँ से निकलने का, सो चलते हैं। 1 घंटा वेस्ट हो गया, 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, अभी तक काफ़ी आगे पहुँच जाते, बट कोई नहीं, अंत भला तो सब भला, निकलते हैं आगे के लिए। सामने ये जो एंट्री दिख रही है
यहाँ से ऑफिशियली लद्दाख लग जाता है, उसके बाद हम एंटर करेंगे यूनियन टेरिटरी लद्दाख में। तो ये भैया हैं, ये मिले, इन्होंने हमें हेल्प करी, इन्होंने हमें परमिशन दिलाई यहाँ पे एंट्री करने के लिए एंटीजन टेस्ट के लिए। थैंक यू। अगला टारगेट है कारगिल वॉर मेमोरियल। अब रॉक माउंटेन स्टार्ट हो चुके हैं, अब आपको ऐसे ही नज़ारे मिलेंगे, थोड़ी देर बाद द्रास के बाद मिल जाएंगे येलोइश सैंड वाले पहाड़, नीचे रिवर, ऊपर से ब्रिज। एक फोटो क्लिक करा लूं इंस्टाग्राम के लिए, हो गई क्लिक, आपको मिलेगा सब ये इंस्टाग्राम पे। वेलकम टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी कारगिल। तो यहाँ द्रास है 25, कारगिल 84, ले है 313 किलोमीटर। क्या बताना है? एंट्री किया? एंट्री वहाँ ना, हाँ करा के आए, मारा पर्ची दी है, पर्ची उधर ले जाओ। अरे यार, एंट्री करते दूसरा चेक पोस्ट, स्टम्प नहीं लगाया, पर्ची दी है। सो अभी यहाँ पर दिखाना है RT-PCR। अब सांस भी फूल रही है यहाँ पे, था मिनी मार्ग लद्दाख पुलिस, यहाँ पे दिखानी पर्ची और फिर उसके बाद ये करेंगे डेटा में एंट्री, वहाँ पे कोविड दिखाने के बाद यहाँ पे एंट्री होगी। UP-78 GF। इन्होंने ये लिख दिया है यहाँ से निकलना है, टाइम बहुत हो गया, 2:05 अप्रॉक्स, एक घंटे से ऊपर वहाँ पर लगा था, यहाँ पर भी 15-20 मिनट लगे और उसके बाद अलाउ किया है। रोड मैंने पूछा था कैसी है, सो कंटिन्यू बताया कि इसी तरह की आपको रोड मिलेगी, और भाई चिनाव अपने साथ कंटिन्यू चल रही है। रॉक माउंटेन्स लुकिंग ब्यूटीफुल, वेरी इनसेन व्यू। बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है यहाँ से, लद्दाख ने दिल खुश कर दिया। द्रास से अप्रॉक्स 1 किलोमीटर आगे चले थे, एक टर्न पे ही ये पेट्रोल पंप हमें मिल गया, उससे पहले भी एक था। पेट्रोल पंप ठीक ठाक है और ये अंडर कंस्ट्रक्शन है नया, ये डाल दो भाई, फुल कर दो टैंक, डाल दो फुल कर दो। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो ओनली कैश पेमेंट, नो कार्ड सिस्टम। डल गया, कितने का हुआ? 489 का है ना, पेट्रोल हो गया 490 का। और अब यहाँ से कारगिल वॉर मेमोरियल है 2.5 किलोमीटर, बहुत पास में है, सो अपने को वहाँ पर रुकेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, अभी कैब वाई फ्यूल डला रहे हैं। सो फाइनली हम लोग आ गए हैं, यहाँ नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ पर कारगिल वॉर मेमोरियल। चलते हैं अंदर, अंदर का व्यू देखते हैं। कारगिल जब वॉर हुआ था उसी की याद में बनाया गया था और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें अंदर हैं। और ये है इसकी एंट्री, एंट्री करते हैं अंदर। फाइनली अब मैं आ गया हूँ कारगिल वॉर मेमोरियल के अंदर। यहाँ पर क्या है, गेट पे एंट्री करने के बाद एक यहाँ पे बॉक्स लगा है, अगर आप मोबाइल कैमरा या फोन कुछ भी लेके आते हैं तो आपको 50 रुपीज उसके अंदर डालने हैं। बगल में है कैफेटेरिया इसके बगल में, और यहाँ पर एक मूवी चल रही है, तो उसमें कारगिल वॉर मेमोरियल से रिलेटेड मूवी चल रही है। ये तो थी इंफॉर्मेशन यहाँ से रिलेटेड। और यहाँ एंट्री करते ही फाइटर प्लेन लगा हुआ है, यहाँ पर जितने भी कारगिल वॉर मेमोरियल में लोग शहीद हुए थे कुछ लोगों की यहाँ पर डिटेल लिखी हुई है, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, कैप्टन विक्रम बत्रा। सो ये है कैप्टन विक्रम बत्रा का डिटेल यहाँ पे लिखा है, 20 जून 1999 कैप्टन विक्रम लेड हिज कंपनी टू कैप्चर 0.5140। कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहाँ कैनन लगी हुई है, यहाँ पर 2 कैनन लगी हुई हैं, बहुत ही अच्छा बना हुआ है। और एक चीज, अगर जहाँ पे ये रेड रेड है उसके आगे आपको नहीं जाना है। सो यहाँ से आने के बाद यहाँ पे हम आ गए वीरभूमि, जो लोग कारगिल वॉर में शहीद हुए थे उन सबके यहाँ पर नाम से एक स्टोन लगा हुआ है, बैटल ऑफ जोजिला अ सागा ऑफ वैरियर एंड 4 राजपूत। इसको डिटेल में देखते हैं पास से जाके, जम्मू एंड कश्मीर कैंपेन ऑफ 1947-49 वॉज इट्स लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट हार्ड फाउट वॉर। बैटल ऑफ जोजिला के बारे में लिखा हुआ है कि पाकिस्तानी 1947 में पाकिस्तान के साथ इंडियन आर्मी ने उसको धीरे धीरे, जब बीच में कवाली आ गए थे उस समय बहुत से एरिया पे आ गए थे, तो उन सबको यहाँ से भगाया था। ये 15 पंजाब 1948 के फाइट के बारे में लिखा हुआ है, इसी तरह करके यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वॉर्स के बारे में लिखा हुआ है। ये पीछे का व्यू, अभी यहाँ पे राष्ट्रगान शुरू हो गया था
जितने भी लोग अंदर है, कोई कहीं भी है, सभी लोग वहीं पे रुक गए थे। बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा था। फाइनली अब यहाँ से चलते हैं। छोटा है, एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, वहाँ से एंट्री है, सीधे आना है और यहाँ पर ये स्टोन लगे ब्रेव सोल्जर्स के, यहाँ पे कैनन रखी हुई है, फाइटर प्लेन रखा हुआ है, वहाँ पे कैफेटेरिया है, वहाँ मूवी थिएटर है। बाहर चलते हैं कि हमें जाना है लेह, ले चलते हैं। बहुत खूबसूरत व्यू आ रहा है, स्काई इज लुकिंग ब्यूटीफुल। वंस अगेन कैप्टन विक्रम बत्रा, ये दिल मांगे मोर। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। 10 से 15 मिनट में इस पूरे वॉर मेमोरियल को घूम सकते हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में तो सबने सुना होगा, बट बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बारे में शायद बहुत लिमिटेड लोग, उनकी फैमिली, उनके रिलेटिव या उनके एरिया के लोगों को पता होगा। बट हम सल्यूट करते हैं सबको। व्हेन यू गो होम टेल देम ऑफ अस एंड से फॉर योर टुमारो वी गेव अवर टुडे। चलते हैं कारगिल के लिए। टाइम है यहाँ से निकलने का, सो यहाँ से निकलते हैं। यहाँ से निकल के पहुँचते हैं कारगिल, कारगिल से लेह।